नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में एरियल फोटोग्राफी के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट सर्वेइंग। व्हाट इज एरियल फोटोग्राफी, प्रोसीजर ऑफ एरियल फोटोग्राफी एंड यूज ऑफ एरियल फोटोग्राफी। आज के वीडियो में एरियल फोटोग्राफी के बारे में जानेंगे, इसका उपयोग किस किस फील्ड में किया जाता है और क्यों यह जरूरी होती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं एरियल फोटोग्राफी। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले एरियल फोटोग्राफी क्या है। जैसे कि आपने रिमोट सेंसिंग भी पढ़ी हुई है, तो सर्वेइंग जो हमारा है, सर्वेइंग में या मैपिंग में हम एरियल फोटोग्राफी का उपयोग क्यों करते हैं। एरियल फोटोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ्स। एरियल फोटोग्राफी एक इस तरह की तकनीकी है, इस तरह का विज्ञान है, जिसमें हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं फ्रॉम द एयर। कहाँ से? एयर में। मीन्स एयर से हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं फॉर मैपिंग एंड स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। मीन्स कहीं पे भी हम अर्थ सरफेस का अध्ययन करना है, स्टडी करना है या उसकी मैपिंग करना है, मेजरमेंट, तो वी टेक फोटोग्राफ्स फ्रॉम एयर। मीन्स एयर से। तो एयर से फोटोग्राफ्स कैसे ले सकते हो, तो हम जानते हैं एयर से फोटोग्राफ लेने का मतलब है कि हम किसी ड्रोन से फोटोग्राफ लें, एयरक्राफ्ट के थ्रू फोटोग्राफ लें या एरोप्लेन से फोटोग्राफ लें। तो हमारे इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं एरियल फोटोग्राफी में, ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं, एयरप्लेन्स की यूज किए जाते हैं, जिनमें स्पेशल कैमरा लगा होता है। इस स्पेशल कैमरा के थ्रू हम जब एयर से अर्थ सरफेस की स्टडी या मैपिंग करते हैं, तो उसमें जो भी हम फोटो खींचते हैं, जो भी फोटो लेते हैं, वो हमारा किसके अंदर आता है, एरियल फोटोग्राफी के अंदर आता है। जीएफटी नडार टुक वेरी फर्स्ट एरियल फोटोग्राफ्स इन 1858। मींस 1858 में जीएफटी नडार द्वारा सबसे पहले एरियल फोटोग्राफ लिया था ऑफ अ ब्लेज ऑफ फ्रांसिस फ्रॉम ए बलून। मींस फ्रांस में एक ब्लेज का फोटो लिया था एरियल फोटोग्राफ से, किसके द्वारा, बलून से फोटो को लिया गया था। तो एरियल फोटोग्राफ का मतलब आप समझ गए होंगे, एरियल फोटोग्राफ मीन्स होता है एयर से किसी भी अर्थ सरफेस पर क्या करना, फोटो खींचना। ठीक। नाउ प्रोसीजर ऑफ एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको कंट्रोल पॉइंट को निश्चित करना पड़ता है कि हमको किस पर्टिकुलर जगह की हमको एरियल फोटोग्राफी करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारा जैसे आपको पर्टिकुलर 1 किलोमीटर की आपको लेना है, 1.5 किलोमीटर की लेना है, तो सबसे पहले आपको अपने कंट्रोल पॉइंट्स क्या करना पड़ेंगे, फिक्स करना पड़ेंगे, कितने हाइट से लेना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट या ड्रोन को उतने ही हाइट पर रखोगे कि आपको इतने हाइट से फोटो लेना है, तो इतने हाइट से यदि हम लेंगे तो हमको विजिबिलिटी क्या रहेगी, ये सब हम किसमें, सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल पॉइंट में करते हैं। सेकंड, फ्लाइट एंड फोटोग्राफी प्लानिंग। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कंट्रोल पॉइंट डिसाइड हो जाते हैं, फिर हम निश्चित करते हैं कि हम ड्रोन से लेंगे, फ्लाइट से लेंगे, और कितनी हाइट से हमको लेना है और क्या एंगल रखना है। मीन्स एंगल कौन कौन से होंगे, तो एंगल्स में आप डिफरेंट एंगल्स से ले सकते हो। तो इसमें हमारे जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक वर्टिकल होता है, एक लो ऑब्लिक होता है और एक हाई ऑब्लिक होता है, तीन होते हैं। वर्टिकल में सीधा आपका एंगल की जो पोजीशन रहेगी वो 90 डिग्री रहेगी, लो ऑब्लिक में 60 डिग्री रहेगी एंड हाई ऑब्लिक में, लो ऑब्लिक में 50 डिग्री और हाई ऑब्लिक में 60 डिग्री पोजीशंस रखी जाती है। तीन प्रकार की है जो कि एरियल फोटोग्राफी हम करते हैं। तो इसमें जो हमारा 90 डिग्री वाली होती है, उसमें हमारा क्या रहता है, अधिक से अधिक क्षेत्र को हम कवर कर लेते हैं, एंड जो हमारी लो ऑब्लिक होती है वो हमारी मिलिट्री वगैरह में कहीं पे बहुत ही विजिबिलिटी के साथ पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना है, वहाँ पे चेक करना है, तो मिलिट्री वाले
क्षेत्र में हमारा इसका उपयोग अक्सर किया जाता है। इसके बाद आपकी हाई आप लिखे तो उसमें आपका कम क्षेत्र कवर होगा, लेकिन उसमें आपका जो एंगल होगा कैमरे का, लेंस का, वो हमारा कितना रहेगा, 60 डिग्री रखा जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है फोटो इंटरप्रिटेशन एंड स्टेरोस्कोपी, मीन्स फोटो इंटरप्रिटेशन एंड स्टेरोस्कोपी जो है, इसमें हम त्रिभुवीय या थ्री डायमेंशनल फोटो वगैरह लेते हैं और इसमें हम स्टडी करते हैं। इसके बाद फोर्थ है पैरालेक्स एंड मेजरमेंट ऑफ पैरालेक्स, इट इज अ मेथड। पैरालेक्स जो है, पैरालेक्स एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम देखते हैं, व्यू करते हैं, तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है या कितना डिफरेंस दो बिंदुओं के, डिफरेंट लेंसेस ऑफ साइट, मीन्स अलग अलग लाइन्स ऑफ साइट के रूप में हम इसका उपयोग करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद है लास्ट जो आपकी मेथड है या प्रोसीजर का पॉइंट है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैप एंड कार्टोग्राफी। जब आप ये सारी एरियल फोटोग्राफी से फोटो खींच लेते हो, पिक्चर्स ले लेते हो, इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको हम स्टडी करेंगे। फाइनल जब लेने के बाद उसको हम एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम एक ग्राफ के रूप में आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि किस जगह पे क्या है, उसकी प्रॉपर मार्किंग करेंगे। दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ एरियल फोटोग्राफी। नाउ एप्लीकेशंस में यदि हम इसके यूजेस की बात करेंगे, तो यूजेस जो एरियल फोटोग्राफी के होते हैं, प्रीलिमिनरी सिस्टम्स सर्वे होता है, सबसे पहले प्रारंभिक सर्वे किया जाता है। इसमें भी हम प्रारंभिक सर्वे मीन्स कहीं भी आपका ब्रिज बनना है, कहीं भी कोई इंडस्ट्री रखना है या किसी भी क्षेत्र का आपको प्रारंभिक सर्वे करना है कि वहाँ पे क्या स्थिति है। कि जैसे कई बार हमारे यहाँ पे क्या होता है, बाढ़ वगैरह आती है तो हवाई सर्वेक्षण जो होता है वो इसी प्रकार से होता है कि जिसमें हम एरियल फोटोग्राफी के थ्रू पिक्चर लेके वहाँ की स्टडी करते हैं कि वहाँ कोई लोग फंसे तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद है एक्विजिशंस ऑफ लैंड, मीन्स जिसको हम बोलें तो भूमि अधिग्रहण या भूमि अर्जन, इस क्षेत्र में भी हमारा एरियल फोटोग्राफी का काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज होता है। वाटर सप्लाई एंड पावर स्कीम्स वगैरह में, वाटर सप्लाई पावर स्कीम में भी हम एरियल फोटोग्राफी का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स में भी एरियल फोटोग्राफी उपयोग की जाती है। रोड एंड रेलवे इंजीनियरिंग में भी एरियल फोटोग्राफी है जो कि उपयोग होती है। साथ ही दोस्तों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मीन्स जब भी हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफी से पिक्चर्स लेते हैं जिससे हमको पता चलता है कि हमारा जो शहर है वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, ये हम एरियल फोटोग्राफी से फोटोग्राफ लेने के बाद उसकी स्टडी करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं। इसके बाद लैंड ड्रेनेज एंड फ्लड प्रिवेंशन, मीन्स लैंड का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जहाँ हमारा फ्लड वगैरह पानी वगैरह है, कहाँ हमारा पानी बह रहा है, कैसे हमको इसको मैनेज करना है, कहाँ से इसकी निकासी देना है, इन सब में भी हमारा एरियल फोटोग्राफी का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेविगेशन चैनल्स, मीन्स हमारा जैसे हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में हमारे जो भी जब युद्ध वगैरह कहीं होते हैं तो वहाँ पर सर्वे करने के लिए कि किस जगह पर हमारे जो दुश्मन हैं, कितने लोग हैं, क्या क्या उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारे हम एरियल फोटोग्राफी से हम फोटोग्राफ लेने के बाद उस पर स्टडी करके पहले से पता लगा सकते हैं, जिससे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि मतलब सामने वाले को हमारे बारे में सारी जानकारी है। कि जैसे हमारा कोई भी बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पे हम गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, तो ये एरियल फोटोग्राफी के थ्रू ही संभव है कि जिसमें हम उस पर्टिकुलर लैंड की, उस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस की स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सभी क्षेत्र हैं, फील्ड्स हैं जहाँ पे एरियल फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। और एरियल फोटोग्राफी का मतलब होता है एयर से फोटोग्राफ को लेना, फॉर मैपिंग एंड स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
थैंक यू।